हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फर्स्ट मैट्रिक्स। तो जैसे जैसे मीका एनजी सर्विस इंडक्शन के पास आती जा रही है, वैसे वैसे कई स्पेकुलेशन आ रहे हैं, जिसमें कहा यह जा रहा है कि हो सकता है इंडियन एयरफोर्स भी इन मिसाइल्स को ऑप्ट करने का प्लान करे। लेकिन सेम कैटेगरी में हमारे पास अस्त्र मार्क 2 मिसाइल होगी, तो उनको ऑप्ट करने का कोई मतलब होता नहीं है। तो इससे पहले कि हम इस कन्वर्सेशन में आगे बढ़ें, हमारा ये समझना ज़रूरी है कि ये मीका एनजी मिसाइल है क्या, क्योंकि मीका मिसाइल हमारे साथ पहले से ही सर्विस में है। मिराज 2000s और रफाल द्वारा ये मिसाइल्स कैरी करी जाती हैं। तो मीका मिसाइल एक फ्रेंच एयर टू एयर मिसाइल है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मनुवरेबल है, एजाइल है, और इसके दो वर्जन एग्जिस्ट करते हैं, एक एक्टिव रडार सीकर के साथ और एक IR सीकर के साथ। तो एक्टिव रडार वाले वर्जन को मीका RF या फिर EM कहा जाता है, वहीं पर इंफ्रारेड वाले वर्जन को मीका IR कहा जाता है। इस मिसाइल की मैक्सिमम रेंज 80 किलोमीटर की बताई जाती है, जो कि आज की BVR मिसाइल के कंपैरिजन में थोड़ी कम है, पर यह मिसाइल हल्की भी है। यहाँ पर वजन जो है ये 112 किलोग्राम का है। अब मीका एनजी में क्या किया जा रहा है कि मिसाइल दिखने में बिल्कुल करंट मीका के जैसी ही होगी, पर यहाँ पर इंटरनल चेंजेस किए जाएंगे। बाकी वजन को भी सेम ही कैटेगरी में रखने की कोशिश करी जाएगी, ताकि जो करंट वर्जन मीका सर्विस में है, उनकी जगह इन्हें रिप्लेस करने में परेशानी ना हो, क्योंकि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल यहाँ पर रखने की कोशिश करी जा रही है, जिसकी वजह से मीका एनजी का जो टेस्टिंग टाइम है वो बहुत कम रहेगा और ये मिसाइल डायरेक्ट सर्विस में भी इंडक्ट करी जा सकेंगी। तो अब इंटरनली क्या चेंजेस होंगे? तो टेक्नोलॉजी में इवोल्यूशन की वजह से जो इन मिसाइल में अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स यूज किए जाएंगे, उनका साइज पुराने वर्जन की मीका के कंपैरिजन में छोटा होगा, जिसकी वजह से अंदर ज़्यादा स्पेस मिलेगा और ज़्यादा प्रोपेलेंट रखा जा सकेगा। साथ ही साथ ये मिसाइल जो है ये ड्यूल पल्स मोटर को यूज़ करेंगी, और जो सेंसर्स हैं, जैसे कि IR सेंसर हो गए, इनको ज़्यादा सेंसिटिव बनाया जाएगा, जिसके लिए एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे मैट्रिक्स सेंसर कहा जा रहा है। वहीं पर जो RF वर्जन होगा, उसमें मोस्ट लाइकली AESA सीकर इस्तेमाल किया जाएगा। तो ड्यूल पल्स का यहाँ पर इस्तेमाल होने की वजह से ये मिसाइल एंड गेम तक अपनी एनर्जी को सस्टेन कर सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर रेंज एक्सटेंशन भी हुआ है, जो कि 80 किलोमीटर से 40 किलोमीटर और बढ़ गया है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 120 किलोमीटर के आसपास की रेंज आपको यहाँ पर मिलेगी। तो ये ड्यूल पल्स वाली मिसाइल ज़रूर है, पर ये अस्त्र मार्क 2 की कैटेगरी में नहीं आएगी। अस्त्र मार्क 2 में आपको ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर के अप्रॉक्स की मैक्सिमम रेंज मिलेगी। तो मीका एनजी की रेंज, जो कि मैक्सिमम 120 किलोमीटर के अप्रॉक्स होगी, ये मॉडर्न लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स के बराबर भले ही ना हो, पर अपनी रेंज में इसकी जो किल प्रोबेबिलिटी होगी और नो एस्केप जोन होगा, वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होगा इसके बेटर सेंसर और ड्यूल पल्स मोटर को यूज़ करने की वजह से। तो ये मिसाइल डेंजरस हो जाती है, भले ही इसकी रेंज आपको अस्त्र मार्क 1 के आसपास की नज़र आ रही हो, जो कि 110 किलोमीटर के अप्रॉक्स ये मैक्स बताई जाती है, पर उसी कैटेगरी में ये एक ज़्यादा डेंजरस मिसाइल होगी। और अगर पाकिस्तान की AIM-120C5 से कंपेयर करें इसको, तो ये उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर रहने वाली है। इवन जो उनकी PL-12 है, ये उससे भी बेटर मिसाइल रहेगी। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या हमें ये मिसाइल ऑप्ट करनी चाहिए या फिर अस्त्र मार्क 2 का वेट करना चाहिए। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि रफाल में इंडियन वेपन्स लगने हैं, जिसके अंतर्गत अस्त्र मिसाइल भी लगाई जाएंगी, पर अभी तक अस्त्र मार्क 1 मिसाइल जो कि हमारे द्वारा इस्तेमाल करी जा रही हैं, वो रफाल से इंटीग्रेट नहीं करी गई हैं। वहीं पर बात करें मिराज 2000s की, तो इनमें अभी इनको लगाया भी जाएगा, इस पर भी क्लैरिटी नहीं आई है। तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पहले अस्त्र मार्क 1 इंटीग्रेट हो जाए, उसके बाद अस्त्र मार्क 2 के Su-30MKI से भी फ्लाइट ट्रायल्स चालू नहीं हुए हैं, इसको फायर करके अभी तक नहीं देखा गया है। सर्विस इंडक्ट होते होते 2025 का एंड आ सकता है, 2026 भी हो सकता है। उसके बाद फिर हमें यह देखना होगा कि रफाल से इनको कब इंटीग्रेट किया जाता है, जो कि अल्टीमेटली किया ही जाएगा। लेकिन मीका मिसाइल, मीका एनजी की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जो कि 2025 से मोस्ट लाइकली इंडक्ट होगी, मैक्सिमम 2026 तक जाएगा, ये डायरेक्टली लगाई जा सकेंगी रफाल में और इवन मिराज 2000s में। तो हमें इन मिसाइल्स को अलग से कंसिडर नहीं करना चाहिए, ये मिसाइल एक्चुअली करंट जनरेशन मीका की रिप्लेसमेंट है, और हमें धीरे धीरे हमारी जो इन सर्विस मीका मिसाइल्स हैं, उनको इनसे रिप्लेस करने का प्लान करना चाहिए, ताकि हम अपने मिराज 2000 की भी कैपेबिलिटी को बढ़ा सकें और रफाल की कैपेबिलिटी को भी बढ़ा सकें। अस्त्र मार्क 2 जो है ये अगेन डिफरेंट कैटेगरी में आएगी, क्योंकि रेंज यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर ज़्यादा होगी मीका एनजी के कंपैरिजन में। तो मीका एनजी का जो प्रोग्राम है, डेफिनेटली हमारे लिए सिग्निफिकेंट है और हमें वहाँ पर नज़र बनाने की ज़रूरत है।
आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।